और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 30 मार्च 2022 को दोपहर 1:45 को अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 24/7 नेशनल न्यूज चैनल के विनोद खन्ना, रामलाल सोलंकी, मोहन पवार, कमलेश पाटिल, दीपेश सिंह चौहान, जितेंद्र वासकली टीवी रिपोर्टर द्वारा बिना अनुमति के वीडियोग्राफी एवं मना करने के बाद बचाव करने आए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रकाश पाटिल के साथ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में उक्त रिपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी वीर सिंह चौहान ने बताया कि 30 तारीख को बोर्ड पे था, न्यायालयिक प्रकरण की सुनवाई कर रहे थे। 4 से 5 लोगों ने मेरी वीडियोग्राफी करना चालू कर दिया। मैंने पूछा कौन हो तो उन्होंने पत्रकार होना बताया। उनसे ID मांगी तो परमिशन कहा है आपके पास प्रचार भारती की तो उन्होंने नहीं बताई और वीडियो चालू कर दिया। बायोडीजल के संबंध में जांच के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि तहसीलदार प्रतिवेदन भेजे तब कार्यवाही करेंगे। पूर्व में भी कार्यवाही की थी, जुर्माना भी हुआ था। उक्त लोगों के विरुद्ध कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार निरंतर कार्यवाही की जा रही है और यहाँ से गए तो पाटिल जी से भी बदतमीजी से बात करने लगे। उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए भेजा गया थाने में। वहीं कनिष्ठ आपूर्ति विभाग अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग आए थे जो अपने आप को कथित पत्रकार बता रहे थे तो उनके द्वारा अनावश्यक रूप से ऑफिस में आकर माइक लगाकर बोले कि बाइट देना पड़ेगी। मेरे पूछने पर किस संबंध में तो बोले बायोडीजल पर जांच होनी थी, आप मौके पर उपस्थित नहीं थे और कहीं तरह की बातें करने लगे। मैंने उन्हें बताया कि तहसीलदार महोदय द्वारा कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन भेजा गया है, अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर महोदय को प्रस्तावित किया जाएगा। बोले तत्पश्चात उन्होंने अनैतिक एवं अभद्र बातें की जो कि पत्रकारिता के हिसाब से सही नहीं है। अगर वह पत्रकार है तो उन्हें बात करनी आनी चाहिए और उन्हें पत्रकारिता की कुछ भी जानकारी नहीं है जो कि गलत बात है। 30 तारीख को जब मैं बोर्ड पे था, मतलब न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कर रहा था, 4-5 लोग आए और मेरी वीडियोग्राफी करना चालू कर दी। मैंने पूछा आप कौन हो तो उन्होंने बताया कि हम पत्रकार हैं और मैंने उनकी सबकी आईडी मांगी, आईडी बताओ। तो फिर मैंने बोला परमिशन कहाँ तुम्हारा प्रसार भारती की, वो भी नहीं बताई और वीडियो चालू कर दिया। और बायोडीजल के संबंध में जांच सुबह उसका क्या हुआ, मैंने बोला जांच चल रही है, तहसीलदार ने प्रतिवेदन भेजा नहीं, आए कार्रवाई करेंगे। हमने पहले भी उसके विरुद्ध कार्रवाई करी थी और कुछ जुर्माना भी हुआ सभी लोगों के विरुद्ध। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश अनुसार निरंतर कार्रवाई की जा रही है और यहाँ से फिर गए तो उधर पाटिल से भी बदतमीजी से बात करने लगे फूड इंस्पेक्टर से, तो हमने तुरंत कार्रवाई के लिए भेजा है थाने में। अभद्र व्यवहार, ये जो एक 4-5 लोग आए थे जो अपने आप को कथित पत्रकार बता रहे थे तो उनके द्वारा अनावश्यक रूप से ऑफिस में आकर गलत तरीके से माइक सामने अड़ा के और बोले आपको बैठ देना पड़ेगी और आप बैठ दीजिए। मैंने भाई मैंने बताया भाई किस संबंध में आप लेना चाहते हैं, बोले बायोडीजल की जांच होना थी, आपने उसमें आए नहीं, आप अनुपस्थित रहे और आपने ऐसा मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, कई तरह की बातें करी। तो मैंने उनको बताया भाई तहसीलदार महोदय द्वारा कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन भेजा गया है, यहाँ पर भेजा जा रहा है, उसके आधार पर श्रीमान कलेक्टर महोदय को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तावित किया जाएगा। नहीं बोले ऐसा ही क्यों हुआ और ये नहीं, मतलब कई तरह की उन्होंने अनैतिक बातें और अभद्र बातें की जो कि पत्रकारिता के हिसाब से सही नहीं है। अगर वो कथाकथित पत्रकार हैं अगर, तो उनको पत्रकारिता की ABCD भी नहीं आती है और इस तरह की बातें मतलब करना गलत बात है। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।